हे गाइस, आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ रॉबर्स केव देहरादून में, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाएगा। और अभी हम जाएंगे रॉबर्स केव के अंदर, और यहाँ पे चप्पल के साथ आपको एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गहरा पानी है। तो अगर आप शूज में आ रहे हो तो आप जरूर चप्पल लेके आइए, अगर नहीं ले आए तो आपको यहाँ पे रेंट पे भी मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं रॉबर्स केव, तो देख सकते हैं कितने बड़े एक रॉबर्स का मुंह है, इसके अंदर से हम एंट्री करेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम पहले टिकट ले लेंगे। तो ये है टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर को आपको बताते हैं इसका इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे 35 रुपीज पर पर्सन था, और जो बच्चे हैं बच्चे लोगों के लिए फ्री टिकट था 5 इयर्स से नीचे तक। 5 इयर्स के ऊपर बच्चे को आपको फुल टिकट लेना पड़ेगा, और अमायरा के लिए कोई भी टिकट नहीं था क्योंकि वो 3 साल की थी, इसके लिए उसके लिए फ्री था। तो आप देख सकते हो रॉबर्स केव के अंदर अब हम जाएंगे, और हमने ये 2 टिकट ले लिया है, मेरा और मेरा हस्बैंड का। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिए कि रॉबर्स केव के अंदर अगर आप कोई पेट लेके आ रहे हो तो पेट यहाँ पे अलाउड नहीं है, बाहरी बोर्ड पे लिखा हुआ था। और यहाँ पे जो भी साइड में आप देख रहे हो इंस्ट्रक्शन है, वो जरूर आप फॉलो कीजिए क्योंकि इतना सुंदर से उन्होंने इसको बनाया है, तो इसको हम उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर होता है। तो गाइस चलिए हम अभी आपको एंट्री करके दिखाते हैं रॉबर्स केव। और इस टाइम बज रहे थे 8:30 या 9 बजे के लगभग हम गए थे, और आप देख सकते हो उस टाइम भी कितना रश था। और ये रॉबर्स केव है जो 7 बजे से ओपन हो जाता है, तो 7 बजे से 6 या 7 बजे तक ओपन रहते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी 8 बजे के बाद आप रॉबर्स केव पे आ सकते हो, मगर प्लीज ज्यादा लेट मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आता है टूर करने, क्योंकि ये दिखने में इतना सुंदर है तो सब देखने आता है। आप देख सकते हो मैं ऊपर से आपको व्यू दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर उन्होंने इसको मतलब रखा है, क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है कि लोगों ने बनाया है, ये नेचर का है, नेचर ने कितना सुंदर मतलब अद्भुत रीति से ये बना हुआ है कि 2 पहाड़ 2 चट्टान को काटने के मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई काटा है उसको बीच में से पानी। तो आप देख सकते हो ये पानी भी नेचुरल है, जो हमारा जो पहाड़ है पहाड़ के चट्टान के अंदर से थोड़ा थोड़ा करके ये पानी गिरता भी है, और झरना भी है जो मैं आपको आज जाते जाते और दिखाऊंगी। और ये हम गए थे, ये मेरा हस्बैंड और अमायरा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और मैं बन गई थी कैमरामैन। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर था ये व्यू, और यहाँ पे बहुत सारे लोग था। और हाँ, जाते जाते मैं आपको और एक सजेशन दूंगी आपको, जब आप रॉबर्स केव पे आ रहे हो तो ज़रूर करके आप शॉर्ट ड्रेस पहनिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और पानी गहरा उतना नहीं है, मगर हाँ आपके घुटने और कमर तक तो आएगा, बच्चे लोगों का तो पूरा तक आ जाता है, मगर हाँ वहाँ पे पानी है, तो इसी वजह से अगर आप लॉन्ग ड्रेस पहन के आ रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकता है। और हाँ, बहुत सारे जैसे आप देख सकते हो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने के लिए आपको कंफर्टेबल ड्रेस पहनना है, अगर आप जीन्स वगैरह पहन के आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा रॉबर्स केव पे, इसीलिए आप कंफर्टेबल ड्रेस पहनिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा झरना था, जो ये घुस के आपको ये झरना मिल जाएगा जहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे, और आप देख सकते हो कि ज़्यादा पानी नहीं है कि आप डूब जाओगे, ऐसा मत सोचो। तो अगर बड़े इंसान हैं जैसे हमारे जैसे तो वो कमर तक था, मगर आप देख रहे हो बच्चे लोगों को भी आपको मैंने दिखाया तो वो भी नहा रहे थे, मगर उतना तक ही पानी था। और ये हम आगे ऊपर, अभी ऊपर का जो सीन था वो आपको चढ़ के अच्छे से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी था, और हम ऊपर जाएंगे और आपको देख सकते हो मैं दिखा रही हूँ आपके हर एक पहाड़ों में वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कहाँ पे कैंटीन है, आपको हर एक पहाड़ों के साइड साइड में एरो दिखेगा, और ये था ऊपर कैंटीन। और वादियों में आए हो तो मैगी खाना तो ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे आके मैगी और चाय ज़रूर एंजॉय कीजिए, मगर हाँ थोड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट है तो थोड़ा कॉस्टली है, मगर थोड़ा सा कॉस्टली होने से क्या है, आपको खा के वादियों में मज़ा तभी आता है। तो ये भी और एक छोटा सा झरना था जो ऊपर जाके आपको मिलेगा,
और ये ऊपर था बोल के लोग बहुत ज्यादा कम आता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते, तो यहाँ का पानी जो थोड़ा साफ था मगर बहुत ठंडी पानी था सब जगह का। तो यही था गाइज आपको रॉबर्स केव कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइज। और ये देहरादून का रॉबर्स केव आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, और भी वीडियो में आपके लिए लेते आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहें।